नारे लगो ना एक बार। थोड़ा नारे लगाओ ना एक बार। आज हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनको माला पहनाकर पुष्प अर्पित करे हैं और नेताजी का जो नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उस नारे के ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वहां पर जो अपन ने जो उनके कार्यक्रम करा है और उनको उनके विचारों को लोगों को जन जन को अजमेर शहर के लोगों को अवगत कराया और देश भर में हमारे जहाँ भी नेशनल पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन लोगों से भी कहा है आप अपने अपने शहर में अपने अपने गांव में अपने अपने कस्बे में नेताजी का सम्मान करें और नेताजी की जयंती पर उनको पुष्प अर्पित करें और देश भर में जहाँ भी हमारे मतलब नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रदेश में देश में जिले में कहीं भी कार्यकर्ता हैं सब लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। नम रिजवान मलिक अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल पीपल्स पार्टी। जयंती है और आज ही के दिन लगभग 32 साल पहले हिंदी सेवा दल का हमने स्थापना की क्योंकि हिंदी सेवा दल का उद्देश्य एक ही था जो हमने नेताजी से सीखा और जो उनके विचारों से जिन हमने हमने प्रेरणा ली कि देश रहेगा तो ये समाज रहेगा, समाज जब ही रहेगा जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। क्योंकि आज की जो परिभाषा देश के अंदर चली आ रही है, जो देश के अंदर आज धर्म के नाम पर जाति के नाम पर प्रांत के नाम पर भाषाओं के नाम पर जो देश के अंदर हम लोगों के यहाँ दंगे हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है और हजारों लोग इस दंगों में मारे जाते हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है इस समाज के लिए एकता बनी रहे और एकता जब ही बनी रहेगी जब पूरा राष्ट्र एक होगा, राष्ट्र एक झंडे के नीचे होगा, एक संविधान के नीचे होगा क्योंकि संविधान राष्ट्र को एक बनाता है। उसी को उद्देश्य को लेकर हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदेश को लेकर आज से 32 साल पहले हिंदू सेवा दल की स्थापना की। आज 32वां हिंदू सेवा दल का स्थापना दिवस है और क्योंकि मेरे साथी जो भी आज से वर्षों से जो जुड़े पड़े हैं आज उन्हीं के सहयोग से उनके साथ में मिलकर हम रेगुलर कुछ ना कुछ समाज के लिए करते आ रहे हैं, यही उद्देश्य है कि जब तक रहें इस समाज के लिए कुछ करते रहें। आर के महावर हिंदू सेवा दल अध्यक्ष। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। सुभाष चंद्र तू क्या किया?
आज 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। स्वाभिमान ग्रुप इंडिया ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर यहाँ माल्यार्पण किया है। हम सभी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज स्मरण किया है, उनके बलिदान को। देश का हर युवा, हर बुजुर्ग याद करता है। स्वाभिमान ग्रुप का ये मानना है कि आज की जो देश की परिस्थिति है उसमें ये बिल्कुल ज़रूरी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चला जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के कारण ही आज हमारा देश, हम लोग भारत के नागरिक खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। असंख्य असंख्य क्रांतिकारियों ने भारत माता के लिए जो बलिदान दिया है उसके कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज हमारा देश जो कुछ भी है, जो स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है, वो सब क्रांतिकारियों के कारण ही संभव हो पाया है। स्वाभिमान ग्रुप ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चलने का प्रण लिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था जय हिंद। स्वाभिमान ग्रुप की सभी देशवासियों से अपील है कि वो तिरंगे को और भारत माता को सबसे ऊपर रखें, सर्वोच्च रखें, क्योंकि हमारा देश है उसके बाद हम हैं, नेशन फर्स्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चलने का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण जो दशक है वो यही है। 21वीं सदी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर सब चलें। युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती है। आज भी हर युवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही अपना आदर्श मानता है। हम चाहते हैं भारत का हर नागरिक जातिवाद से ऊपर उठे, धर्मवाद से ऊपर उठे, संप्रदायवाद से ऊपर उठे और सिर्फ भारत को मजबूत बनाने के लिए अपना जो भी संभव योगदान हो वो दे। भारत माता की जय। आपका नाम? मैं विनोद चौहान, स्वाभिमान ग्रुप।